Next are learning to write. Given below is an application written to the principal of a school asking for exemption from examination. Read it carefully and also look at its format. Hon, niche ek application likhi hui hai jo ki tusi apne principal nu likhni hai, jide vich apne principal madam sir to tusi aagya leni hai ki tuhanu exams ton chhot ditti jave ki tuhade koi marriage aa gayi hai ja koi bhi zaruri kaam aa gaya hai. So आपां देखदे हां कि इन्होंने किस तरह लिखा हुआ है. लेट्स स्टार्ट. द प्रिंसिपल देव समाज सीनियर सेकेंडरी स्कूल जलंधर. सर, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 8th ए ऑफ योर स्कूल. आर बाय मंथली एग्जाम्स आर स्टार्टिंग फ्रॉम नवंबर 1, 2021. के मैं 8th ए दी विद्यार्थन हां कि जेडे बाय मंथली एग्जाम्स होंदे हन ओह नवंबर 1, 2021 तो शुरू हो रहे हन. सर, आई ऑलवेज स्टैंड फर्स्ट इन ऑल द एग्जाम्स. मैं अपने सारे एग्जाम्स दे विचों फर्स्ट आंदी हां. माय सिस्टर्स वेडिंग इज फॉलिंग ऑन नवंबर 5, 2021. मेरे सिस्टर दी मैरिज 5 नवंबर 2021 नु हो रही है. एज आई एम द ओनली हेल्पिंग हैंड ऑफ माय फादर. कि मैं अपने पिताजी दी इक्को एक मदद करन वाली हां, घर विच होर कोई नहीं है. आई कांट टेक द एग्जाम दिस टाइम. तां इस करके मैं इस वारी एग्जाम नहीं दे सकदा. This time I request you to exempt me from the examination. इस वारी मैं तुहानू बेनती करदा हां कि मैनू पेपरां तों छोट दित्ती जाए. I shall be very thankful to you. मैं तुहाडा धन्नवादी होवांगी. Thanking you, you are so obediently. अगे अपना नाम लिख देना, रोल नंबर लिख देना, ठीक है, ते डेट पा देनी है.